किसी देश में काशीराज नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम करुणा था। उनके चारों तरफ सुख ही सुख था। दुख क्या होता है इस बात को तो वह जानती भी नहीं थी। करुणा बहुत अधिक सुंदर थी। राजा उनसे बहुत प्रेम करते थे और उनकी हर बात को पूरा करते थे। एक बार की बात है, दिसंबर का महीना था, बहुत ठंड पड़ रही थी। एक दिन रानी ने यमुना नदी में स्नान करने का निश्चय किया। राजा ने आज्ञा दी, यमुना की ओर जाने वाले सारे मार्ग रोक दिए जाए और सभी घाट खाली कर दिए जाए। आदेश होते ही नदी के घाट और तट निर्जन हो गए। जो लोग घाटों के पास झोपड़ियों में रहते थे वे उन्हें छोड़कर चले गए। रानी अपनी सखियों के साथ घाट पर पहुंची। उस समय पूर्व दिशा में सूर्य उग रहा था। रानी अपनी सखियों के साथ स्नान करने लगी। पानी बहुत ठंडा था। ठंडे पानी के कारण रानी थर थर कांपने लगी। कपकपाते होठों से उन्होंने कहा, मैं ठंड से मर रही हूँ, जल्दी आग लगाओ और मेरे प्राण बचाओ। रानी की आज्ञा पाकर सखियां पास के जंगल में लकड़ियां लेने जाने लगी। रानी ने रोककर कहा, इतनी दूर कहाँ जा रही हो, पास ही फूस की झोपड़ियां है, इसी में आग लगा दो। यह सुनकर एक सखी ने कहा, रानी जी ऐसा न करें, यह झोपड़ी किसी गरीब की होगी। दासी की बात सुन रानी को क्रोध आ गया। वे चिल्ला कर बोली, दूर हो जाओ, फूस की इस पुरानी झोपड़ी की तुम्हें चिंता है और मेरी कुछ भी नहीं, मेरी आज्ञा का पालन करो। रानी की हठ देखकर सखियों ने झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ियां धूं धूं करके जल उठी। आग की लपटें आकाश को छूने लगी। आग की चिंगारियां एक झोपड़ी से दूसरी झोपड़ी पर गिरने लगी। आग चारों तरफ फैल गई और झोपड़ियां जलकर राख हो गई। रानी को आग की लपटों से गर्मी मिली और वह सखियों के साथ हास परिहास करते राजमहल लौट गई। अगले दिन काशीराज अपनी राजसभा में सिंहासन पर बैठे थे। तभी जिनकी झोपड़ियां रानी ने जलवा दी थी वे सभी राज दरबार में आ पहुंचे। उन्होंने रोते हुए अपनी कहानी राजा को सुनाई। राजा का सिर लज्जा से झुक गया और उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। वे सभा से उठकर राजमहल में चले गए। गुस्से में राजा ने रानी से कहा, तुमने निर्दोष दीन दुखियों के घर जला दिए, यह कैसा तुम्हारा राजधर्म है। रानी रूठकर बोली, उन फूस की झोपड़ियों को आप घर कहते हैं, उनके ना रहने से क्या हानि हो सकती है। अपनी रानी के एक क्षण के प्रमोद के लिए तो लोग न जाने कितना धन खर्च कर डालते हैं और आप घास फूस की झोपड़ियों के लिए इतना क्रोध कर रहे हैं। राजा ने दासियों को रानी के सभी राजसी वस्त्र आभूषण उतार कर गरीबों के कपड़े पहनाने को कहा। रानी को राजमहल से बाहर ले जाकर राजा ने कहा, तुमने अपने एक क्षण के सुख के लिए जिन गरीब लोगों की झोपड़ियों को जला दिया था तुम्हें उनको बनवाना होगा। मैं तुम्हें एक वर्ष का समय देता हूँ,
एक वर्ष बाद तुम राजसभा में आना और बताना गरीब की झोपड़ी का क्या मूल्य होता है। रानी एक वर्ष तक राजमहल के बाहर रही, कठिन परिश्रम किया, तब जाकर झोपड़ियां तैयार हुई। अब रानी को झोपड़ी का वास्तविक मूल्य समझ आ गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, कभी किसी को अपने से नीचा समझकर उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऊंचे पद पर है तो उसको अपने से छोटों का सम्मान करना चाहिए, और हर छोटी बड़ी वस्तु मेहनत से ही प्राप्त होती है, और प्रत्येक वस्तु की अपनी कीमत होती है, यह हमको समझना चाहिए।